देख लीजिए, जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा खासा दोस्तों हवा है, गरम वैसा नहीं कुछ है, मस्त गरम आ रहा है, अच्छा खासा है, आप रुक सकते। हेलो आए नो दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों आज देख सकते हैं जो कंप्यूटर पर पावर सप्लाई रहता है ना, उसमें हम लोग आज इसको बनाएंगे रूम हीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा, नहीं तो कुछ दूसरे के डब्बा उब्बा का बनाते तो हीटिंग वीटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, जले गोले का नहीं। तो इसमें हम लोग पूरा आज टीना का डब्बा ही में बनाएंगे, तो कुछ सब चीज़ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं हम लोग को, बस जो कॉइल है कॉइल लगाना और उसको एडजस्ट लगाना जो बॉडी में करेंट मत आए। तो पूरा वीडियो बने रही दोस्तों, कैसे कैसे बनाता हूँ मैं टोटल टोटल चीज़ बता दूंगा, पूरा देखेंगे तभी समझ आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना जो आपके ऊपर है, अच्छा लगे तो। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, वैसे फिलहाल तो मैं निकाल दिया था इसका सब चीज़ को, देख लीजिए ये देख सकते हैं। तो सब चीज़ सब जो आपका बोर्ड उड़ रहता है ना उसको निकाल दिया है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसी में ये जो ये है ना, तो इसमें डबल दिया था कि सिंगल तो डबल रहेगा, सिंगल रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर जो आपके पास है ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये इतना हो गया, तो इसको मैं पूरा निकाल लिया, देख लिया, साफ कर लेना। ये देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या सामान लगेगा। तो हम लोग ले लिए पावर सप्लाई का, और देखिए मैं ये जो हेयर गन रहता है जो बाल को सुखाने का आला, उसका ही मैं कॉइल को निकाला था क्योंकि थोड़ा एडजस्टेबल है ये। तो इसके ऊपर चाहे तो आप जो हीटर का कॉइल आता है आप लोगों को, ये देखिए 1000 वाट 1500 वाट जो भी चाहे इसके ऊपर से लपेट सकते हैं। मैं फिलहाल ये लपटा है तो मैं लपटे नहीं रहूँगा, भी नहीं करूँगा, इसी से अच्छा खासा हीट हो जा रहा है। तो आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये हो गया दूसरा, और ये फ़ैन के लिए हमको 12 वोल्ट चाहिए। 12 वोल्ट के लिए आप एक अडाप्टर ले सकते हैं, 12 वोल्ट का अडाप्टर ये देख सकते हैं, 12 वोल्ट का मिल जाएगा। आप कोई सा भी अडाप्टर यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली लगे, ऐसा नहीं मैं यही कर रहा हूँ। तो ये हो गया, इसको लगाने की जगह क्या है, देखिए ये ऐसा करके बैठ जाएगा आराम से यहाँ पर, ये देखिए ये इजीली बैठ गया यहाँ से, तो यहाँ से हवा खींच के फेंकेगा। 12 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ लगेगा, यहाँ लगा दूंगा मैं। तो इसको थोड़ा आराम से, इसको मैं ख्याल से बाहर लगा दीजिए, मैं अंदर लगा रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको बाहर भी लगा सकते हैं। तो मैं अंदर लगा रहा हूँ क्योंकि एडजस्ट है, तो इसको 12 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से लगा दूंगा, तो 12 वोल्ट निकलेगा तो एडजस्टेबल बन जाएगा पूरा, लेकिन आप बाहर ही लगाएं अच्छा रहेगा। जितना हो गया, तो मैं इसको देखिए कुछ नहीं करना जानते, तो दो दो वायर इसमें जोड़ना है और दो वायर इसका जोड़ना है प्लस माइनस। तो मैं इसको आपको जोड़ के दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा लंबा बनते ही जाएगा। तो मैं जोड़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। इसका मैं कनेक्शन कर चुका था, उतना कुछ किया है नहीं है, देखिए इसको बैठाओ, यहाँ से कॉपर वायर बांध के यहाँ एक कॉपर वायर लगा दें, बीच में तो ये सपोर्ट रहा, ये हिल भी नहीं रहा अच्छा खासा, जो ये है ना हिल भी नहीं रहा, आप लोगों को देखिए ये अच्छा खासा हिल भी नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये दो कनेक्शन है, कनेक्शन कर दिए। जो 12 वोल्ट का अडाप्टर था, ये अडाप्टर 12 वोल्ट का यहाँ पर जा डायरेक्ट, ये आपका 12 वोल्ट निकाल के फैन को दे दिया, फैन को निकाल के आप यहाँ से 220 वोल्ट वाला देख सकते हैं, मैं ऊपर में कनेक्शन इसका कर दिया हूँ सेम टू सेम, जो इस जेक में हम लोग देंगे 220 वोल्ट, तो ये अपना खुद तो 12 वोल्ट निकाल देगा और ये आपका 220 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। तो आप इतना देख लेना, इसको 12 वोल्ट को बाहर ही लगाना, जो 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाया हूँ इसको बाहर लगाने की कोशिश करना एक बार। मैं तो पहली बार लगा रहा हूँ, तब मेरे को पता नहीं कि जलेगा नहीं जलेगा, तो मैं लगा के चला के दिखा देख लेता हूँ, और जलेगा तो मैं कमेंट जो कमेंट वगैरह में बता दूंगा कि ये जल रहा है, तो इसको आप लोग बाहर ही लगा। मेरे ख्याल से नहीं जलना चाहिए, जो पूरे हिस्टिंग को जो आपका फ़ैन है ना, फ़ैन पूरा खींच लेना चाहिए, जो गर्म हवा लेगा तो गर्म हवा लेगा तो इधर ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऐसी होता है, होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो इसको आप लोग चला के देखते हैं, इसको मैं पैक कर लेता हूँ अच्छे से, ये हो गया, इसको पैक कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी वायर निकाल सकते हैं, पीछे से जो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से भी वायर निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जितना इसको ज़्यादा इजीली बना लें। ये हो गया, ऊपर मिनट लगा लेंगे दोस्तों, यहाँ ना तभी मैं नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, आपको चला के मेरे को दिखाना है। तो ये हो गया, और ये देखिए मैं इसको ले आया था केवल 220 वोल्ट वाला, तो ऊपर में लगाना है अपने को ओके। ये देखिए फ़ैन चालू हो गया अपना, ये देखिए हीटर भी चालू हो गया अपना, देख सकते हैं दोस्तों अच्छा खासा हीट आ रहा है दोस्तों, अच्छा खासा। अब देख सकते हैं नीचे में हीट की हीट सिंक आई रहा है, देख लीजिए जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा दोस्तों हवा है, गरम वैसा नहीं कुछ है, मस्त गरम आ रहा है, अच्छा खासा है, आप रुक सकते हैं आप ओके दोस्तों। तो इसमें बहुत ही अच्छा गर्म हवा आ रहा है, तो इसमें आप कुछ भी कमी या कुछ कमेंट लगे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन ये पूरा सेफ है दोस्तों, उतना नहीं कुछ है, कुछ खराब होगा कुछ करंट वरेंट कुछ मानने का कुछ झंझट नहीं, इसमें पूरा सेव है और अच्छा से चलेगा। मैं चला लेता हूँ कुछ टाइम, उसके बाद मैं आपको कमेंट में एक बार और बता दूंगा कैसे है। तो इसको पार्ट टू बनाना तो मैं बताइए, इसका अलग टाइप बना दूंगा, तो इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने जल्दी से रुक जाए दोस्तों, और इसमें कुछ गड़बड़ी उड़ी रखता तो मैं कमेंट में बता देना। बाय बाय, नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।